दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं। जैसे हर्बल वाले, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि सभी बीमारियों का इलाज आपकी किचन में है, ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में हैं, जो आपको आध्यात्मिक लाभ भी दे सकती हैं। मोरपंख के बारे में आप जानते हैं, मोरपंख सबने देखा है। अगर आपको दोस्तों कहीं आप घूम रहे हैं जंगल में, कहीं गार्डन में, तो वहाँ पड़ा हुआ मोरपंख मिल जाता है आपको अपने आप, उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। नहीं है तो खरीद करके भी उस लाभ को ले सकते हैं। बहुत दोस्तों कम लोग जानते हैं, जो मोरनी है वो मोर के आंसू पी करके प्रेग्नेंट होती है। जब मोर खुशी से नाच रहा होता है, वो ऐसी स्थिति में चली जाती है, उनको लगता है कि वो पति पत्नी इकट्ठे हो गए, उनका मिलाप हो गया। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, फिर बच्चे को जन्म देती है। आजकल कहीं कहीं ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ मोरनियाँ ऐसे नहीं हो रही, क्योंकि साइंस तरक्की कर रही है, कोई बात हो गई होगी। पर मोर का जो पंख है, सबके सर का ताज इसीलिए माना जाता है। और कभी आपको लगे कि घर में कोई नज़र लग गई, कभी लगे घर में कुछ नकारात्मक सा माहौल हो गया, सुबह उठें बहुत जल्दी, कम से कम सूर्योदय से 2 घंटे पहले घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, और साथ में दोस्तों अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें थोड़ी देर, आधा घंटा। उसके पश्चात घर की जो सभी दीवारें हैं उसको ऐसे टच करते हुए पहले पूरे घर में, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बाहर ले जाएं। जैसे आप झाड़ू से निकालते हैं एनर्जी को, तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी को कहे कि तू चली जा, चली जा, चली जा। जब बाहर चले जाएं तो फिर प्रार्थना करें कि थैंक्स तेरा, तू चली गई। ऐसा 5 दिन दोस्तों प्रयोग करें, और 5 दिन जब करें तो कोई टोके नहीं आपको, कोई रोके नहीं आपको, और आप किसी को कहें भी नहीं। फिर जा कर के मोरपंख लेकर के अपने पूजा स्थल में, प्रेयर प्लेस में बैठ जाएं, आप देखेंगे कि 5 दिन में एक चमत्कार सा हो गया। और ये दोस्तों प्रयोग पहले शायद बहुत लोग जानते होंगे, पर मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, और बहुत अनुभव सिद्ध प्रयोग है, और कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। मोरपंख ऐसी वस्तु है कि सब जगह मिल जाती है।